नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल भोजपुरी गंगा में स्वागत है। आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खबर देना चाहता हूँ भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि ग्लोबल म्यूजिक से बातचीत होना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है और खेसारी लाल यादव इस केस को हार गए। और इसी को लेकर खेसारी लाल यादव जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कई बार लाइव आ चुके हैं, और इस समस्या से निकलने के लिए खेसारी लाल यादव इसके आगे वाला कोर्ट में भी जाने वाले थे। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन कंपनी के मालिक से बातचीत होना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, खेसारी लाल यादव से और ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन कंपनी के मालिक राजकुमार से बातचीत होना शुरू हो चुका है। और देखिए आपस में लोग क्या बातचीत करते हैं और ये मामला कैसे सॉर्ट आउट होता है, और इसकी जानकारी अखिलेश कश्यप खुद एक इंटरव्यू के दौरान दिए हैं। हाँ तो दोस्तों, आपस में बातचीत होना शुरू हो चुका है, कुछ ले देकर चाहे जैसे भी हो, ये मामला जल्द खत्म होने वाला है। और जैसे ही मामला खत्म होगा, वैसे ही खेसारी लाल यादव जी का नया गाना आप सभी के बीच आना शुरू हो जाएगा, और यही सब वजह के चलते खेसारी लाल यादव का गाना आने में थोड़ा सा देर हो रहा है। नहीं तो अब तक नीलम गिरी वाला वीडियो गाना आप सभी के बीच आ गया होता, लेकिन जैसे ही ये मामला खत्म होगा, आपस में बातचीत कर लेंगे लोग, तो गाना आप सभी के बीच आना शुरू हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट था, आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद दोस्तों।